स्वागत है सभी को, राम राम। ये तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है और अब इसमें मैं दूंगी पानी के छींटे, जिससे कि इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी भिंडी और ये भिंडियों को तब तक पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल सुनहरी ना हो जाए। ये गोल्डन सुनहरी हो जाए तब तक मैं इनको अच्छी तरह से पकाऊंगी। अभी इनको धीमी आंच करके पकने के लिए छोड़ दूंगी और ये धीरे धीरे पकती रहेंगी। इसमें इस बीच में अपने प्याज और टमाटर कट कर लेती हूँ जब तक ये पकते तैयार होती है। ये मेरे प्याज भी कट चुके हैं और चलो अब जाके भिंडी को भी हिला देते हैं, नहीं तो वो नीचे से चिपक जाएगी। बीच बीच में इसको चलाते रहना चाहिए नहीं तो ये चिपक जाएगी। जब तक ये सुनहरी ना हो जाती तब तक इसको पकाते रहो। ये देखो अब ये सुनहरी हो गई है। अभी मैंने कच्चापन जो आता ना भिंडी में वो नहीं रहा बिल्कुल भी। अब इनको निकाल लेते हैं। जरा सी हींग डाल देते हैं इसमें। अब हींग को सुनहरा होने देंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें प्याज। अब ये हींग हो गई है हल्की हल्की सुनहरी, इसमें नहीं दिख रही कैमरे में लेकिन वैसे हो चुकी है। और अब इसमें डाल देते हैं प्याज। अब इन प्याजों को सुनहरा होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक ये सुनहरा होता है, इतना अपना और कोई काम कर लेते हैं। मेरे प्याज हो चुके हैं और अब मैं इनमें डाल देती हूँ टमाटर और हरी मिर्च जो कि मैंने पीस के रखे हुए हैं। ये डाल दिए टमाटर। अब इसमें डालती हूँ मैं इन, पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और अब इसमें डाल देती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, ये हल्दी, ये धनिया, और नमक बस, और कुछ नहीं डालना। सिंपल मसालों के साथ भिंडी की सब्जी तैयार करेंगे। ये टमाटर हो चुके हैं और अब इनमें फ्राई की हुई भिंडी हम डाल देंगे। डाल के ऐसे जैसे करके दो मिनट के लिए रख देते हैं और हमारी भिंडी की सब्जी हो गई तैयार। इस तरह से कौन कौन बनाता है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी भिंडी की सब्जी बनके हो गई तैयार और सिल्वर के बर्तन में ज़्यादातर तक नहीं रखनी चाहिए कोई भी सब्जी हो, इसलिए मैं इसको निकाल के स्टील वाले बर्तन में रख देती हूँ। हस्बैंड आ चुके हैं चाय पीने के लिए और लाग रहे अपने दूध की ओर छोड़ कर उस ड्राम का। ये देखो ये बाय बाय कर रहे हैं। देखो आप लोग भी ले लो इनकी बाय बाय। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम का हाल देखो तो आज सुहाना हो गया है। डिमांड पर आज बढ़ रहा है हलवा। ये देखो मेरा हलवा बनकर हो गया है तैयार। देखो चम्मच के साथ साथ बन जाए तब ये
हलवा बन के तैयार होता जब ऐसा हो जाए तब उसको बंद कर देना। चलो जब कोई भी सब्जी समझ में ना आए क्या बनाए तो तब एक ही सब्जी समझ में आती है, वो है प्याज टमाटर की, क्योंकि मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। किस किस के बच्चों को पसंद है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज मैंने बनाई है प्याज और टमाटर की, क्योंकि कोई सब्जी समझ में आ ही नहीं रही थी। ये देखो प्याज फ्राई हो चुके हैं और अब इनमें मैं डाल देती हूँ टमाटर और हरी मिर्ची, क्योंकि हमारे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है प्याज टमाटर की सिंपल सब्जी। पूजा हो चुकी है, आप लोग भी सब और जोड़ लो मंदिर में, और मैं यहीं प्याज अपने ब्लॉग का को समाप्त करती हूँ। सभी को राम राम।